हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहज़ाद, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं सैयद शहज़ाद। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अपने सिस्टम में node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको node.js डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों google.com पे जाना है। गूगल पे आपको आने के बाद लिखना है node.js। आप node.js लिखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि पहला ही लिंक node.js का आ रहा है, node.js का। ये node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। node.js पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ के डाउनलोड्स के लिए ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं कि ये दो तरह का ऑप्शन दे रहा है, एक में जिसमें लिखा है 12.18.1 LTS, सेकेंडली नीचे लिखा है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स, और राइट साइड पर जो दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर लिखा है 14.4.0 करंट लेटेस्ट फीचर्स। अच्छा, ये जो नंबर्स लिखे हैं इसका मतलब क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका मतलब है ये वर्जन्स बता रहा है, 12.81 LTS ये वर्जन है, 14.40 करंट ये न्यू वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, यानी कि 12.18.1 के बाद जो न्यू वर्जन आया है वो आया 14.40 वर्जन। अच्छा, अब इसमें नीचे लिखा है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स और लेटेस्ट फीचर्स, तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि ये जो 12.8.1 LTS है जिस पर ऑलरेडी node.js ने भी लिखा है कि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इसका मतलब है कि मोस्टली यूज़र्स इसी को रिकमेंडेड करते हैं और मैं भी इसी को रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, जिसकी वजह ये है कि न्यू जो भी वर्जन आता है node.js का हो या किसी भी सॉफ्टवेयर का हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बग्स होते हैं, या तो बग्स होते हैं या आप अगर दूसरी लैंग्वेज के साथ इसको node.js को पैरेलल चलाएंगे तो वर्जन की वजह से हो सकता है आपको कोई एरर्स आ जाए या आपकी कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर सकती है। तो गुड प्रैक्टिस, और ज़्यादातर यूज़र्स और सिखाने वाले यही कहते हैं कि जो रिकमेंडेड वर्जन है उसको आप डाउनलोड करें। तो जस्ट आपने इसके ऊपर माउस लगा के अपना क्लिक करना है। ठीक हो गया। आप जैसे ही डाउनलोड इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड में डाउनलोड शुरू हो गया है, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड हो गया node.js मेरे अपने डेस्कटॉप PC के अंदर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको सिंपलेस्ट वे में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं इसी जगह पर रहते हुए ब्राउज़र के नीचे इस पर मैं जो node-v लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ रहा है, node.js setup। ठीक हो गया। वेलकम टू द node.js setup wizard। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है प्लीज़ वेट वाइल द setup wizard prepares टू गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन। सेकेंडली लिखा है कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जब आप इसकी इंस्टॉलर को रन करेंगे तो ये थोड़ा सा सेकंड लगाता है, ज़्यादा नहीं कुछ सेकंड्स लेता है, जिसके अंदर ये कंप्यूटिंग करता है, अपनी कैलकुलेशन करता है जहाँ पे इसको इंस्टॉल होना है। ये मतलब स्पेस को अपने डिफाइन करता है कि ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये नेक्स्ट का बटन डिसेबल है, जब ये कंप्यूटिंग कर लेगा तो ये आपको नेक्स्ट का बटन इनेबल कर देगा, जिसके बाद हम इसको फर्दर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आगे लेकर जाएंगे। अभी ये देख सकते हैं ये सारे से कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है फीचर स्टेट्स फ्रॉम रिलेटेड एप्लीकेशंस, उसके बाद ये सारे प्रोसेस के बाद ये इनेबल करेगा प्रोसेस। अब देख सकते हैं आप, दिस सेटअप इंस्टॉल node.js ऑन कंप्यूटर। अब ये रेडी इंस्टॉलेशन के लिए आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट।
इस पे साफ लिखा है प्लीज़ रीड द फॉलोइंग लाइसेंस एग्रीमेंट केयरफुली, यानी कि आप ये जो लाइसेंस है एग्रीमेंट है इसको केयरफुली आप पढ़ें, और जब आप इसको पढ़ लें तो इसके ऊपर आप यहाँ पे टिक लगाएं कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। अब ये देखते हैं यहाँ लिखा है वर्ड आई एक्सेप्ट द टर्म्स, यानी कि कंडीशंस जो यहाँ पे बताई गई है इस लाइसेंस के अंदर, आप इसके ऊपर जब टिक लगाएंगे तो इसका मतलब है आप इससे अग्री कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई आप उसके लिए एग्री कर रहे हैं, और आप इसको कहते हैं कि मैं ये सारी टर्म्स जो भी आपने डिफाइन की और कंडीशन में इसको एग्री करता हूँ और मैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। जब आप ये नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ये सी टाइप में मोस्टली जो भी न्यू सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे वो सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ की जो सी ड्राइव होती है उसकी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही इंस्टॉलेशन में जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी आ रहा है, अगर आपको ड्राइव चेंज करना है तो आप ड्राइव चेंज कर सकते हैं, ये चेंज का बटन दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से आप अप पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स फाइल पर आ गए, अप पे क्लिक करें सी ड्राइव पर आ गए, आपने ड्राइव चेंज करनी है यहाँ से आप ड्राइव सेलेक्ट कर लें डी ई, जो भी ड्राइव सेलेक्ट करनी है आप करके उसको ओके करेंगे तो वो ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर ये कहता है नोड डॉट जे एस रन टाइम, उसके साथ आप देख सकते हैं कि प्लस का ये सारे इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपको, इसके साथ एन पी एम मिलेगा, एन पी एम पैकेज मैनेजर मिलेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। जस्ट आपने नेक्स्ट करना है, अब ये लास्ट अपने नेक्स्ट करना है। अब जब भी आपने नेक्स्ट किया ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, आपने जस्ट इंस्टॉल का बटन दबा देना है। अब जब इंस्टॉल का बटन दबाएंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि कुछ सेकंड्स का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि नोड जेएस की इंस्टॉलेशन चल रही है, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इंस्टॉलेशन किए इसको हम किस तरह से वेरीफाई करें कि आया जो मैंने सेटअप चलाया है डाउनलोड करने के बाद ही विंडोज़ का जो सेटअप रन किया और जो मैंने सेटिंग्स की वो सारी सही सेव हुई, उस सारी सेव सही सेव होने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो चला वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सही चला, यानी कि नोड डॉट जे एस हमारे सिस्टम में एक अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया है या नहीं इसको वेरीफाई करना है। जस्ट ये थोड़ी सी देर में इंस्टॉल्ड हो जाए, अभी ये दिखा रहा है कि सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हो गई हैं, कुछ सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाए। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि सारे प्रोसेस हमारे जो हमने अभी रन किए वो सही तरीके से रन हो गए और इंस्टॉल हो चुका है। ये अब ऑप्शन देख सकते हैं आप, तकरीबन ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये रिमूव कर रहा है जो इसकी बैकअप की फाइल्स हैं, जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम में बहुत सारी फाइल्स इसने एक्सट्रैक्ट की थी जो नॉट यूज़फुल है, यानी कि जो आगे यूज़ नहीं होने वाली इसके पास, ये इसको खुद ही रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद नई फाइल कॉपी कर रहा है, नई फाइल कॉपी करने के बाद ये इसकी अपडेटिंग प्रोसेस करेगा, अपडेटिंग प्रोसेस करने के बाद जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा ये हमारे पास, फिर हम इसे रन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट द नोड डॉट जे एस सेटअप विजिट हो चुका है इंस्टॉल, ये लिखा हुआ आ रहा है नोड डॉट जे एस हैज़ बिन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब मैं इसके ऊपर फिनिश पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो स्क्रीन एग्जिट हो गई। अब मुझे यहाँ पे सिस्टम के ऊपर कोई आइकन भी नज़र नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे चेक करूँ कि ये मेरे पास इंस्टॉल वाकई में हो गया है या नहीं हुआ है,
कुछ चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने जस्ट cmd लिखना है, ठीक हो गया। cmd जो कि कमांड प्रॉम्प्ट होती है, आप जैसे ही इसको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इस पर लिखना है नोड डैश वी। ठीक हो गया, देखें आपने जस्ट लिखना है इस तरीके से, आपका नोट क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम पे। आपने इसको नोट डॉट जे एस को वेरीफाई करने के लिए सिंपल सी एक कमांड लिखनी है, nod -v मीन्स वर्जन। हम वर्जन चेक कर रहे हैं नोट का कौन सा इंस्टॉल्ड हुआ है। जब आप इंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, जो हमने सिस्टम उस वेबसाइट पे देखा था वर्जन इसका नोट का क्या वर्जन था, 12.8.1 ये वाला डाउनलोड किया हमने, सेम उसको इंस्टॉल किया है और यही हमारे पीसी पे वर्जन इंस्टॉल दिखा रहा है। जब इसको इंस्टॉलेशन दिखा रहा है इसका मतलब है ये सक्सेसफुली आपके सिस्टम में नोट डॉट जे एस इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अभी आपके पास node.js इंस्टॉल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में डाउनलोडिंग के अंदर तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट के अंदर। node.js.org की जो वेबसाइट है इसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से आपने node.js के पैकेज को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल जोसाइश शहजाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है यहाँ पे इस बेल आइकन के बटन को प्लीज़ लाजमी दबाएँ। इससे ये होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा वो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ।